आज विराट कोहली ने 50वां शो ओडीआई के अंदर अनबिलीवेबल, ओ माय गॉड, मतलब कि आप कैसे सोच सकते हो कि एक बंदा 50-50 कर ले हंड्रेड्स की। वहां मैटर बड़े होते हैं, वहां कौन खड़े होते हैं, वहां सिर्फ विराट कोहली खड़े होते हैं, द 50th ओडीआई सेंचुरी बाय द किंग कोहली। और वो कहते हैं कि किस्मत वाले होते हैं जिनको अपनी कहानी अपने हाथ से लिखने का मौका मिलता है। तो अब्बू मान लो, अब उसको अपना अब्बू मान लो, क्रिकेट में वो अब्बू है। देखो मैं तो ये कब से बकवास कर रहा हूँ कि वो क्रिकेट में अब्बू है, वो सबका अब्बू है क्रिकेट में। लेकिन कुछ घंटे के फैंस कहते हैं नहीं जी, वो तो बड़े मैच में चलता नहीं। रस भाई जबरदस्त यार, माँ की आंख क्या तोड़ा है भाई, न्यूजीलैंड की टीम को क्या तोड़ा है भाई, जबरदस्त भाई। 97 भाई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सेमीफाइनल में हिंदुस्तान इतना बड़ा टारगेट ठोकेगा न्यूजीलैंड को। भाई न्यूजीलैंड अपनी फेवरेट टीम है, लेकिन भाई आज नहीं है। आज हिंदुस्तान ने घुसा दिया भाई। द मिथ द लेजेंड, क्या बात है यार विराट कोहली की। मतलब 58 ओडीआई 100 टुडे, दैट टू इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बिफोर अ फुल हाउस एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। व्हाट अ ओकेशन फॉर विराट कोहली एंड व्हाट ओकेशन फॉर इंडियन क्रिकेट यार। ट्रैवल कर दिया 50th, 50वां शो, कैन यू बिलीव 50वां शो स्कोर किया, वो भी किस सिचुएशन के अंदर। शट अप कॉल हो चुके हुए उन लोगों के ऊपर जो लोग ये बात को कल क्या मतलब कि हर दफा वजह बनाते थे कि विराट कोहली कांट स्कोर इन सेमीफाइनल। विराट कोहली ने आज जो सेंचुरी मार दी है, ये आज तक किसी ने भी ऐसा सेंचुरी नॉकआउट में नहीं मारा होगा। व्हाट अ प्लेयर, आज खाली सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, दो रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़े और वो भी बहुत बड़े रिकॉर्ड। सिंगल एंडिशन वर्ल्ड कप के अंदर उनके स्कोर को तोड़े, हाईएस्ट जिसको कहते हैं, एक वर्ल्ड कप के अंदर एक एडिशन के अंदर स्कोर करने वाला ये बंदा बन चुका हुआ है। और आज ही विराट कोहली ने 50वां शो ओडीआई के अंदर अनबिलीवेबल, ओ माय गॉड, मतलब कि आप कैसे सोच सकते हो कि एक बंदा 50-50 कर ले हंड्रेड्स की, विराट कोहली ने कर दी है। वहां मैटर बड़े होते हैं, वहां कौन खड़े होते हैं, वहां सिर्फ विराट कोहली खड़े होते हैं, द 50th ओडीआई सेंचुरी बाय द किंग कोहली। और वो कहते हैं कि किस्मत वाले होते हैं जिनको अपनी कहानी अपने हाथ से लिखने का मौका मिलता है। क्या मौका है, क्या सेमीफाइनल है, क्या बड़ा स्टेज है। तो बड़े प्लेयर, बड़े स्टेज के बड़े प्लेयर ने बोला कि भाई साहब आज का दिन क्यों ना चुना जाए वो काम करने के लिए जो कोई भी ह्यूमन बीइंग यानी धरती पे पैदा हुआ हुआ कोई भी इंसान के हाथों कभी नहीं हुआ, यानी 50th ओडीआई सेंचुरी आज ही के दिन क्यों ना बनाई जाए। आज से पहले लोग बोलते थे कि विराट कोहली नॉकआउट में नहीं चलते, विराट कोहली ये नहीं करते, विराट कोहली वो नहीं करते, विराट कोहली ग्रेट प्लेयर होंगे लेकिन वो वर्ल्ड कप के नॉकआउट में नहीं करते, सेना टीम के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी नहीं मारी। तो उन्होंने बोला रुको जरा, सबर करो, हम आपको बताएंगे कि भाई साहब हम 16वें साल में क्यों ना हो इंटरनेशनल करियर के, हम 711 रन बना के इस वर्ल्ड कप में टॉप पे बैठेंगे और हम अपनी जब सेंचुरी बनाएंगे तो जो हमारे आइडल हैं जिनको देख के हमने क्रिकेट का सफर शुरू किया था वो भी बोलेंगे कि क्या बात है विराट कोहली कि आप ही डिजर्व करते थे और आप ही ये मौका अपने नाम करने के हकदार थे। ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, ये छोटी छोटी मेहनत होती है जो कि इतना बड़ा स्टेज आपके सामने बन के खड़ा हो जाता है। हम तो सही दोस्त यार, विराट कोहली मतलब कि यार ये आदमी नहीं लगता मुझे, क्योंकि यार जिस तरीके की इस बंदे में भूख है रनों को बनाने की, जिस तरीके की इस बंदे में जो पैशन है रनों को बनाने का, रिकॉर्ड को तोड़ने का, और महान सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड आज विराट कोहली ने तोड़ दिया है। और इसके बारे में यार क्या बताए, मेरे पास यार कोई अल्फाज नहीं है कि विराट कोहली के इस सेंचुरी को, इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग यानी कि यार मतलब कि आउटस्टैंडिंग जिस तरीके की रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस विराट कोहली ने शतक को मारा, सचिन के तेंदुलकर महान सचिन तेंदुलकर जिनके 49 शतक थे, विराट कोहली ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में इतना प्रेशर वाला मुकाबला, नॉकआउट मुकाबले में विराट कोहली ने इस शतक को मारा है और महान सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड को तोड़ा, महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा। और क्या मौका था, क्या तस्दूर था, सब कुछ था विराट कोहली के सामने, खुद महान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खुद
विराट कोहली के सामने थे, जब विराट कोहली ने उनका शतक तोड़ा और जिस तरीके से विराट कोहली ने ऐसे नमन किया महान सचिन तेंदुलकर को, मतलब कि यार विराट कोहली यार जितना इसकी तारीफ करे यार मतलब कि मेरे पास यार कुछ शब्द नहीं है कि जिस तरीके की विराट कोहली ने आज जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग आज इनिंग खेली है। और यार इंडिया ने तो पूरी तरह से न्यूजीलैंड को बम्बूजर किया ही किया, साथ में यार विराट कोहली की इस रिकॉर्ड तोड़ पाड़ी ने एक सभी में जोश भर दिया। सभी इंडियन क्राउड में जो भी वहाँ पे देखने आए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखने आए थे, खुद विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा भी मैच को देखने के लिए आई थी और इस मौके पर विराट कोहली ने भुनाया और उनकी हैमस्ट्रिंग भी खींची हुई थी, उसके बावजूद विराट कोहली ने यार सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, 1500 मार दिए ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में। नंबर वन ऐसे पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने ओडीआई की हिस्ट्री में 50 शतक मारे हो, शतकों की अर्धशतक लगाया हो ओडीआई क्रिकेट में। यार विराट कोहली मतलब कि यार ये किस प्लानेट से आया, किस तरीके की क्रिकेट खेलता है, हंगर जो है ना विराट कोहली में रनों को बनाने की, अपने टीम के लिए खेलने की, अपने टीम को जिताने की। और रन चेज में तो विराट कोहली के कोई मतलब कि कोई सानी नहीं है विराट कोहली का, रन चेज में तो सचिन तेंदुलकर भी विराट कोहली के पीछे रह जाते हैं, इस तरीके की रन चेजिंग विराट कोहली करते हैं। और आज तो पहले बैटिंग करते हुए ही जैसी शॉट मारे और हैमस्ट्रिंग भी विराट कोहली की खींची हुई थी, उसके बावजूद जो विराट कोहली ने अपनी इनिंग को बिल्ड किया, टीम को लेकर चले, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, शुभमन गिल के रिटायर्ड होने के बाद जो आज इनिंग खेली है, मतलब कि यार 117 रन की जो इनिंग खेली, एकदम सेल्फलेस इनिंग विराट कोहली की। और मतलब कि पूरा क्राउड है, विराट कोहली की वाइफ है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए हैं, महान सचिन तेंदुलकर जिनका विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा वो भी सामने बैठे हुए हैं, और मुंबई का ऐतिहासिक स्टेडियम, और इस स्टेडियम पे इस तरीके का रिकॉर्ड तोड़ना यार बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और सेलिब्रेट भी विराट कोहली ने किया, सेलिब्रेशन को देख कर ही लगा था कि विराट कोहली ने कितनी बड़ी अचीवमेंट अचीव कर ली अपने करियर में। और इस मैच में तो बोले तो रिकॉर्ड तोड़ मैच हुआ है, पहले इनिंग पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ हुई है जिसमें इंडिया लगातार पावर प्ले में 1 से 10 ओवरों में 60 प्लस स्कोर बनाया इस वर्ल्ड कप में 8वीं बार। फिर शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग की और शुभमन गिल तो क्या बहुत ही अच्छा खेल रहा था। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने तो श्रेयस अय्यर की तो इंटेंटिव वही है खेलने की, अगर विकेट गिरे या ना करे, श्रेयस अय्यर जो जिस तरीके से यार छक्के मारता है, श्रेयस अय्यर को देख के लगता है कि श्रेयस अय्यर के लिए छक्के मारना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि यार जिस तरीके का वो हैंडल बैट का जो श्रेयस अय्यर पकड़ते हो, दूर पकड़ते हो, उसके बाद जो लंबे लंबे छक्के श्रेयस अय्यर मारते हैं, मतलब कि यार आउटस्टैंडिंग श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की। रोहित शर्मा ने जो शानदार स्टार्ट दिया टीम इंडिया को, एक रोहित शर्मा ने नींव रखी 47 रनों की, जो कि सेल्फलेस उनकी इनिंग थी, वो 50 या 100 के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मैं टीम के रनों में कैसे योगदान दे सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे से अच्छा हो खेल सकता हूँ टीम के लिए, कैसे मैं टीम को लीड कर सकता हूँ। पहले पावर प्ले में ही जो मेन बॉलर न्यूजीलैंड का था ट्रेंट बोल, जिसने सेमीफाइनल में इंडिया को बहुत ज़्यादा इतना तंग किया था कि इंडिया के पहले 5 ओवर में 3 विकेट वही गई थी सेमीफाइनल 2019 में। और आज वही ट्रेंट बोल को रोहित शर्मा ने टीम साउथी को मार मार के, रोहित शर्मा ने दोनों को मार मार के भुरता बना दिया पहले पावर प्ले में रोहित शर्मा। उसके बाद रोहित शर्मा के जाने के बाद शुभमन गिल ने मार मार के बुरा हाल कर दिया, शुभमन गिल के जाने के बाद विराट कोहली ने बुरा हाल कर दिया, विराट कोहली के जाने के बाद श्रेयस अय्यर ने बुरा हाल कर दिया, और श्रेयस अय्यर के जाने के बाद केएल राहुल ने भी रही सही कसर बहती गंगा में हाथ धो लिया। और मतलब क्या, ये पहाड़ जैसा लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने है, इस लक्ष्य को चेस करना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मुश्किल है। और जिस तरीके की हमारी इंडिया की बॉलिंग है, नंबर वन बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में है, और क्या ही जानदार और शानदार किस्म के फॉर्म में हमारी बॉलिंग चल रही है, तो न्यूजीलैंड इस टारगेट को चेस कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार नॉकआउट मैच में इतना ज़्यादा प्रेशर और ऊपर से इतने पहाड़ जैसा लक्ष्य 380-390 रन चेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ये मैच तो इंडिया पूरी तरह से जीत चुका है, अब फाइनल में हमें बैठकर देखना है कि कौन सी टीम फाइनल में हमारे साथ खेलने के लिए आएगी। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।